What's up guys, welcome back to Interaction Video from the channel Triggered Insan. निश्चय भाई आज एक वीडियो लेके आए जिसका टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है, दिनचक पूजा। थारा भाई जोगिंदर आर बेटर देन एमवे एंड कृष्णा, किस वही खत्म किया सारा है। भाई ने कहा कि भैया तुम अपना रहन दो, तुम लोग हम बताते हैं। तो आज फनी वीडियो होने वाली है, तो इस गर्मा गर्मी के माहौल में आज एक मस्ती भरी वीडियो आप लोग के लाए हैं, तो एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी, एंजॉय करना, किसी को हेट मत देना। तो लेट्स सी आज किस तरीके से प्रस्तुत करी गई है निश्चय द्वारा ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 एट गो। देवियों और सज्जनों, आज जहां सोशल मीडिया पे एक तरफ एमवे और कृष्णा के बीच में रैप बैटल चल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस पे डिस बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने अपने गानों से कानों में शहद घोल दिया है मेरे, और आप भी आज इनके गाने सुनेंगे तो आप भी मन मस्त मगन हो जाएंगे। आज ऐसे ही तीन क्रिंज रैपर्स के गाने हम लेकर आए हैं आपके लिए। अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूड़ी नू, खुद गा रहा जहर बने देखा तेरी पी जावा मैं पूरी नू। पिछले 6 महीने से जब से पसूड़ी सॉन्ग आया ना, मेरा फेवरेट है, लेकिन आज नहीं रहने वाला, क्योंकि पसूड़ी गाने की मदर सिस्टर करने सबसे पहले आए हैं गीतकारों में गीतकार, हर लड़की के दिल का स्टार, डीजे वालों में डीजे वाला, वो है डीजे मिर्ना। ये बहुत जहरी है भाई, खतरनाक एटीट्यूड है इसका। डीजे मिर्ना अलग ही जोन में क्या आग लगा मजदूरी नू, आग लगा मजदूरी नू, मजदूरी नू आग लगा देगा, मजदूर को आग लगाएगा ये। अबे साले आन जान दीप सूरी नू, जहर बने हाँ तेरी, पी जाऊ मैं पूरी जू बांग बांग मेरा। ये होता है गाना, क्या बात, क्या रैप कर रहे, क्या डिस कर रहे हैं, गुच्छ गुच्छ करके गुच्छ क्या ये होता है, ये क्या था लास्ट में गा बोल के दसदा वे गुच्छू गुच्छू कर दी पता नहीं क्या, गुच्छू गुच्छू। भाई ने कहा कि अपने लिरिक्स रहेंगे भैया, अपना कंटेंट रहेगा। बावच बावच कोने लुका हुआ को कोई मेनू ना रोके, ये बीच की बात भी बनी है तेरे नाम की बे होबे, सलमान खान हो गया दिल तेरा बढ़िया। क्या देखना पड़ रहा है, पूरी दुनिया लगी हुई है एमवे कृष्णा के डिस बैटल में। कौन देखता है एमवे कृष्णा के डिस बैटल? आई वॉच डीजे मृणाल सिंह पसंद है भाई का, बड़ी चीज है शौक बड़ी। ओहो ओहो देख तो एटीट्यूड, भूल गया मजबूरी नू, शर्ट खोल ले दस्तूरी नू, साथ तेरा है हटा रहा भाई, क्यों नागिन क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है नागिन, क्या कर रहा है नागिन, नागिन क्या था ये, क्या था ये, क्या देख लिया ये, क्या देख लिया, क्या देख लिया, डिस्क्लेमर देना चाहिए था ना इससे पहले, क्या दिखा दिया, क्या देख लिया, क्या दिखा दिया, वॉच योर टेयर ओनली तूने, चल ठीक है मैंने मान लिया, तू इंपैक्ट के लिए अपनी सिक्स टायर एब्स दिखा रहा है, कैमरा क्यों उसके अंदर ज़ूम कर रहा है, ये कैमरा के अंदर अंदर या तो कैमरा आ रहा है या कई बार भाई घुस जा रहा है, फील में चला गया भाई, ये तो लग सब फेल है, रणवीर सिंह सलमान खान सब फेल, खाली शर्ट अधूरी नू, दिल हमारा दे सहारा, खाली शर्ट अधूरी नू, क्या बात है भाई साहब, कौन से लिरिक्स ड्राइविंग कर रहे हो बाबू, ये कहां से लिरिक्स सोचते हो भाई, जो मन में आता है अबू शुभ बबूरी नू, ये मैं घड़ी लगाऊं, ये मेरा हग्गू इसको उड़ाऊं, इसी बात पे गाना बन गया, मैंने गा दिया पसूड़ी नू, आवाने जावा नवा मूने वाला मज गानी ना होवे, मन मन नहीं बनाई आ रही दबंग वाला स्टाइल कर रहा भाई, ये कौन सा स्टेप है भाई, अपनी तोंद को पकड़ गया, हाँ वो बेल्ट पे था दबंग में, कैमरामैन फील में पूरा फोन ही फ्लिप मार दिया, क्या बात है ट्रांजिशन, ऐसे फोन पकड़ा ऐसे ऐसे पूरा घुमा दिया। ऑलराइट तो अभी हमारे बेस्ट फ्रेंड जोगिंदर का हम यहाँ पे तबाही डिस्ट्रैक सुनने वाले हैं। जोगिंदर ने वैसे बवंडर, सुनामी, भूचाल, भूकंप सारे नेचुरल डिजास्टर्स पे बना चुके हैं ये गाने, आइए तबाही भी सुन लेते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड जोगिंदर, इतने टाइम बाद हम वापस जोगिंदर की बात कर रहे हैं इस चैनल पे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तबाही क्या बात,
अलग ही एटीट्यूड। यार मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जोगिंदर अच्छा गा रहा था आई थिंक, अब तक तो बीट अच्छी थी जो भी, अब सही लग रहा था, फिर बीच में बातें करना शुरू कर देता है, ये भूल जाता है कि गाने बना रहा है, रैप बना रहा है और बीच में बातें करना शुरू कर देता है। इसका वो जो बवंडर गाना इसने मेरे पे बनाया था उसमें भी यही चल रहा था, ट्रिगर्ड इंसान तेरे को ये कर दूंगा, कैरी बराटी तेरे को वो कर दूंगा, गाना भूल जाता है भाई, धमकियां देना शुरू कर देता है। ये प्रोमोशन करा था ना, ये प्रोमोशन कर दिया था, 30,000 से 40,000 तक की पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम जॉब आराम से मिलेगी। डूड व्हाट, कितना तगड़ा प्रोमोशन करा है, माय गॉड, स्पॉन्सर कैसे इंटीग्रेट कर दिया गाने के अंदर भाई ने, स्पॉन्सरशिप कर दी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अलग ही लेवल पे, जाके डाउनलोड कर लो, क्या बंदा है भाई, माय रिस्पेक्ट फॉर जोगिंदर हैज इंटीग्रेशन स्टाइल रूफ नाउ, अलग ही है, इतना तगड़ा इंटीग्रेट नहीं कर पाते लोग जितना ये करते हैं। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आज भी स्पॉन्सरशिप नहीं डालने आती अपनी वीडियो में, 15-20 वीडियो में एक वीडियो में स्पॉन्सर डालता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, यू नो रोस्ट कर रहे हैं और फिर एकदम से गाइस अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी तो डाउनलोड कर लो, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, भाई ने गाने के अंदर इंटीग्रेशन, लिंक है, नौकरी मिलेगी, जाओ जोगिंदर भाई, आई बाउ डाउन टू यू, लेजेंड है भाई ये बंदा, फोन दूंगा फोन, रैप में इतना मच रहा है गन, बेटे मेरे अब्दुल करूं तेरी झंड, पढ़े क्या तब पढ़ कर तू, अब्दुल को डाल ना, अरे हाँ अब्दुल का उड़ता तीर भी तो था, तीर आया था उसको उसके ऊपर, पर वो नहीं हम सुन सकते, वो तो सिर्फ गालियां, सिर्फ गालियां थी, वो गाना सुनने के बाद तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि अब्दुल डी अब्दुल नीड्स टू गो टू स्कूल, बहुत ज्यादा जरूरत है स्कूल जाने की। हाँ वेरी नाइस सॉन्ग जोगिंदर, पर पता नहीं क्यों मैं पहले भी बोला जोगिंदर भूल जाता है वो गाने बना रहे, बीच में बातें करना शुरू कर देता है, नहीं शुरू में अच्छा करा था उसने, YouTube चलाते हैं वो क्या सीखेंगे इस गाने से, मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जम कर, अरे भाई तुम भी जम करो क्योंकि जम करने से पेट कम होता है, एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है, मजबूरी नू आग लगने से लोग जल सकते हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखिए और बर्फ मलिए, ऐसे ही होते हैं जोगिंदर के सारे गाने, गाते गाते बीच में ध्यान देने लग जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे है तुम लोग गालियां देते हो, नहीं नहीं बट जोगिंदर इज माई best friend, very nice song Joginder, very good message Joginder, I love you Joginder, and गानों की बात हो रही है तो हम हमारी प्यारी favorite ढिंचक पूजा को कैसे भूल सकते हैं, जिसने Eminem का Lose Yourself का remake करा है, अपना version बनाया है, वो legendary song है Eminem का, उसका ढिंचक पूजा का remake क्या कर दिया इसमें, copyright claim incoming, aha 8 miles को 8 miles क्या कर दिया, 8 miles को 8 miles कर दिया, I'm sorry, I was not expecting 8 miles, अबे वो गाने में 8 miles वो movie है, I think उसका reference था वो 8 miles, okay हो गया, 8 miles सड़क, क्या बात है, इंदा घर, गाने को उठा के गूगल ट्रांसलेट पर डाला इंग्लिश टू हिंदी जो आया एज इट इज Eminem इन द हाउस का ढिंचक पूजा इन द घर, सच में भारी उल्टी से पूरी स्वेटर भरी माँ की मैगी गिरी डरा मन पर भार से बंद करके आया तैयार, क्या ये सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, बट दिस इज एक्चुअली बेटर देन व्हाट ढिंचक पूजा हैज एवर मेड, इसने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी बनाया है ये उससे बेटर क्यों लग रहा है मेरे को, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बोल रही हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ और मैं बकवास बोल रहा हूँ और मैं कुछ भी लिरिक्स बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन तुमको भी लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में एक ट्यून चल रही है और तुमको लग रहा है मैं बहुत तेज से बोल रहा हूँ, बकवास कर रही है बेशक लेकिन बीट तो है फ्लो तो है तो लग रहा है अच्छा कर रही है, न्यूटन की महामारी, न्यूटन की महामारी, न्यूटन की महामारी,
न्यूटन की माँ जमीन पे मैं जा गिरी, न्यूटन की माँ मरी। ओरिजिनल डायलॉग है, मुझे क्यों फोड़ा? स्नैप बैक टू रियलिटी, ओप्स देयर गोज ग्रेविटी, देयर गोज ग्रेविटी का न्यूटन की माँ मरी, देयर गोज ग्रेविटी इज इक्वल टू न्यूटन की माँ मरी। कौन सा ट्रांसलेशन था भाई? वाह लाजवाब, अद्भुत। Eminem को तबाह कर दिया। ढिंचक पूजा के हिंदी वर्जन इज बेटर देन Eminem का ओरिजिनल। Eminem ने ये सुनने के बाद छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया करियर, जिंदगी में बोल दिया आज के बाद कभी बैठ नहीं उठाऊंगा गाने लिखने के लिए। रेस्ट लिया, करियर खत्म हो चुका है। उसने बोला भाई ढिंचक दीदी आप बाहर है, मेरे को पता नहीं था ये गाना इतना बढ़िया बन सकता था। इज ओवर मैन, फिनिश्ड Eminem, योर फिनिश्ड। वेरी गुड, वेरी गुड सॉन्ग, बहुत बढ़िया गाया है। मुझे नहीं पता क्या गा रही है पर शूट अच्छा क्या है, लेकिन कमेंट्स पढ़े आ दो, कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ, पढ़ लो। इस पे क्यों कमेंट्स टर्न ऑफ कर रखे हैं, तो इतना बुरा भी नहीं था। तो वीडियो एंड करने से पहले मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है मेरे ऑडियंस में से जितने भी BTS के फैंस हैं, तुम लोगों के लिए स्पेशली ये वाला गाना। ओ भाई ये अच्छा, ये वही है डायनामाइट। अपनी अलग दुनिया बना रखी है, एक अलग ऑडियंस, अपना अलग वो बना रखा है वर्ल्ड पूरा। BTS का भी करियर खत्म कर दिया भाई DJ Viral ने। Anyways guys, I hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like it and I will see you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. अरे भाई मौज करा दी, मजेदार वीडियो थी, फन से भरपूर, और पूरी वीडियो मजा आया आज। आज काफी टाइम बाद मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही खुल के हंसा हूँ, एक एंजॉय करी मैंने, मतलब जिस वीडियो में कुछ भी वैसा कुछ नहीं था कि ना हार्मफुल शब्द थे ना कुछ, बहुत एंजॉयमेंट वाली वीडियो थी, हंसी आई पूरी। और जिस तरीके से साथ में जो कमेंट्री चल रही थी कि न्यूटन की मां, रिस्पेक्ट बढ़ गई आज। मतलब जो ट्रांसलेट करा है, गूगल यूज नहीं हुआ है, कोई अलग ही भाई वेबसाइट यूज हुई है ट्रांसलेट करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ। ढिंचक पूजा ने खुद की वेबसाइट निकाली है अलग से, लेकिन उसमें BTS कभी नहीं सुना, मैंने पहली बार कुछ सुना तो ये सुना है। नहीं लेकिन जिस तरीके से जो पूरा 8 मील को जब 8 मील बोला ना, मैं हिल गया उस टाइम पर। पूजा नहीं, ढिंचक पूजा इन द घर, क्या बात है। लेकिन जो जिसे शूट करा हुआ था, जो लोकेशन टाइप दिखाई थी वो सही लग रही थी वैसे, बीट्स वगैरह भी ठीक थी, लेकिन लिरिक्स में भैया क्या खेला है, खेला कर डाला उसमें। और DJ मृणाल जो है वो स्टार्टिंग में क्या नाश कर रहा था, पसूरी पसूरी का तो मजदूरी कर, मजदूरों में आग लगवा दी है, और क्या फिर क्या था, गुचू 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 गुचू। जब वो ऐसे कैमरा में घुस रहा था ना, कैमरा पूरा यहाँ, मैंने कहा एक डिस्क्लेमर तो देना चाहिए था ना ट्रिगर्ड इंसान को पहले, कि भाई वॉच एट योर ओन रिस्क, ऐसा हैवी ड्राइवर वाले काम हो गए थे इसके अंदर। और एक और भी तो था, थार भाई जोगिंदर भाई साहब, उसने जो इंटीग्रेशन करी है ना, शुरू वाला जो वो फिर पीछे बातें वाली वो ट्रिगर की बात ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रेशन का स्टाइल था ना लाजवाब। मतलब बड़े बड़े लोग जो स्पॉन्सरशिप्स करते हैं वो भी सीखना चाहिए क्या स्मूथली इंटीग्रेट करा। मेरे को भी तो ऐसा लगता था जैसे थकेश करता है ना कई बार वीडियो में बीच में एकदम से, फिर जब जैसे बोलता है ठीक है ये उससे, मतलब ये था मेन वो, तो समझ रहे उसमें पता चल जाता है कि भाई वो वाला प्रमोशन पार्ट है, इसमें पता ही नहीं चला। आज डांस कंपटीशन भी हो गया BTS वाले गाने पर जो रिक्रिएट करा गया मृणाल और ट्रिगर्ड के। पहले मुझे पता क्या लगा कि शायद कोई प्रमोशन है, जैसे ट्रिगर्ड ने बोला ना मेरे पास एक सरप्राइज है BTS के जो फैन, मुझे लगा कुछ ना कुछ कोलैब या कुछ ऐसा आएगा, जैसे ही आया ना पूरे ऐसे मुंह सफेद भूत जैसा, साथ में वो एक वो लंबे बाल करके भाई जो नाच रहा था, अलग ही, मतलब इन्होंने अलग जोन अलग दुनिया कर रखी क्रिएट, अलग विजन और प्लस अपनी अलग ऑडियंस क्रिएट कर रखी। ऐसे कहां डिस देखने में है ना, लड़ने में पड़े हुए, ये है ऐसे एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो, आई एम श्योर मजा आएगा आप लोग को। तो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।